ये दोस्तों आज हम बनाएंगे मटन है, इसके लिए हमने लिया है ज़्यादा नहीं 300 ग्राम मटन लिया है, बकरे का मटन है, बढ़िया अगला दस्त है ये, और बोनलेस नहीं है, बोन है इसके अंदर, नली भी है, और हम इसको बनाएंगे बिल्कुल सिर्फ हमने लिया है, लहसुन है, धनिया है और मिर्च, ये हमने कूट लिया है। और उसके बाद इसमें देखिए हमने थोड़ा सा पालक लिया है, थोड़ी सी मेथी है, और ये प्याज है, टमाटर है, ये बीट शलजम लाल, और ये गाजर। अब हम बनाएंगे जो रेसिपी आप लोगों को दिखाएंगे, और आप ये जो सब मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर फिर हम कांदा डालेंगे। ये देखिए वैसे मेरे मन में आया घर में कोई है नहीं तो मैंने कहा लाओ कुछ बनता खाओगे लेकर आए, तो मैंने कहा नहीं मैं मटन बना लेता हूँ, आप लोग आना तो रोटी बना देना फिर खा लेंगे। तो अभी हमने इसमें प्याज डाला है, ये प्याज ब्राउन होने तक हम इसको ऐसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे, और जैसे ही ये प्याज पूरा ब्राउन हो जाएगा हम जो है इसमें फिर मटन डालेंगे। तो फिलहाल अभी ये प्याज ब्राउन होने तक हम थोड़ा कुछ और काम कर लें। ये देखिए हमने पालक को थोड़ा सा, पालक और मेथी है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा ही लिया है, और इसको हमने धो के रख, सॉरी अब हम इसमें डालें, देखिए ब्राउन हो गया, कलर भी आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा भूजेंगे, थोड़ा सा हम भूजेंगे, ये फजूल चीज़ें हम निकाल लेते हैं इसको। इसको थोड़ा सा, थोड़ा देर तक इसको हम ये करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि ये इसका जो पानी है मटन का ये छोड़ दे, फिर उसके बाद में इसको हम और मसाला इंग्रेडिएंट्स और इसमें डालेंगे। ठीक, ये देखिए अभी थोड़ा सा ये पानी छोड़ दिया है, और अब इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे ये हमारा टमाटर, ठीक, ये अब हमने टमाटर डाल दिया इसके अंदर, ये लीजिए माफ कीजिए, ये टमाटर डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा और ऐसे मिला मिला के चलाते रहेंगे, धीरे धीरे टमाटर इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए टमाटर अब थोड़ा सा नरम हो गया है, तो हमने इस तरह से कूट लेना है, चमचे से ही इस तरह से ऐसे कूट देना है, ताकि ये थोड़ा सा और नरम हो जाए। ये देखिए कलर भी आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला कूट लिया है वो। ये दोस्तों एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल है, मतलब कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, आप अपना मूड में आ जाए कैसे भी आप करके इसको बना, माफ कीजिएगा कैमरा थोड़ा अकेले हूँ फिर पकड़ने वाला है नहीं ना, तो थोड़ा इधर उधर भाग जा रहा है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर, ये देखिए कूट में से हमने निकाल के पूरा, ये लीजिए, तेल आप लोगों को ज्यादा नहीं डालना है, बस जो गोश्त मटन जो भी आप लाओगे उसकी चर्बी, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे लिया इसमें, ये आप नहीं पकड़ेगा, कुछ भी आपको अलग कुछ हट के करना ही नहीं है, जो है बस हमारे पास जो मौजूद है, ना हमने इसके अंदर कोई गर्म मसाला डाला है और ना ही, और सिर्फ लहसुन है, अदरक है, हरी धनिया है, हरी मिर्च है, बस
मसाले के नाम पे यही है, और हम इसको देखेंगे आज बना के आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, जिसको मसाला वसाला बिल्कुल डॉक्टरों ने भी परहेज कर रखा है, तो भाई आप मसाला नहीं खा सकते, और फिर मटन तो खाना है, और बिना चटपटे के मटन मज़ा नहीं आएगा। तो हमने सोचा कि लाओ कुछ ऐसा एक डिश बनाया जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो हेल्दी के लिए हमने इसमें अदरक लहसुन लिया है, फिर ये देखिए ये पालक लिया है, और मेथी है इसमें थोड़ा सा, और उसके बाद ये शलजम है और गाजर। प्रोटीन और जो भी हमारे मिनरल जूस की ज़रूरत है हमारे बॉडी को वो भी मिल जाएगा, और हमारे ज़बान को जायका भी मिल जाएगा, क्योंकि खाली ज़बान के जायके के लिए पूरी बॉडी को तकलीफ़ देना कहाँ तक सही है दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हेल्दी खाना खाएं, और हमारे बच्चे को जो है वो उसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, आज वो है नहीं तो इसलिए मैं सोचा चलो उसके लिए मैं बना देता हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा मुझे उम्मीद है। ये पानी सूख गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुए पालक और मेथी, अब इसको हम चला लेंगे खूब बढ़िया से। दोस्तों लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी जिद है, लाइट जाती है तो जाए हम लोग कर लेंगे। क्या देहात में लाइट नहीं होती थी हम लोग बचपन में घर, फिर भी खाना हमारी माएँ हमारी दादियां बनाती ही थी ना, तो इस तरह से आप लोग भी हार ना माने। ठीक है लाइट गई है, अभी आ जाएगी जब तक हम ये, क्योंकि हम लाइट का इंतज़ार करेंगे तो बहुत सारा मिस कर जाएंगे। देखिए इसके अंदर ये हल्का हल्का सा, ये देखिए ग्रेवी बन रहा है, ये जैसे जैसे गलेगा और ग्रेवी बनेगी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इसे खाने में, क्योंकि एक तो रिस्की नहीं है, मसाले वसाले कोई ज़्यादा इसके अंदर झंझट नहीं है, इससे आपको नुकसान नहीं फ़ायदा ही फ़ायदा है, चिकनाहट नहीं है कुछ नहीं है। और इसको तेल इसमें नहीं डालना ज़्यादा, बिल्कुल एक डेढ़ दो चम्मच बस, और अगर हो सके तो इसके जो जब बकरा काटते हैं जो पेट की जो चर्बी होती है ना, आप उस चर्बी में बनाएं, तेल की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं आपको महसूस होगी, और ना टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा और ना कोई नुकसान होगा, क्योंकि वो जो पेट की चर्बी है बहुत फ़ायदेमंद होती है। हम लोग चिकनाहट के नाम पर नहीं खाते हैं, लेकिन वो खाना चाहिए। तो अभी ये बना रहा हूँ मैं, अभी सूख रहा है धीरे धीरे जब तक वो पानी भी गर्म हो रहा है, तो इसमें डाल देते हैं नमक। अब हमने इसको ढक दिया है, और अब थोड़ी देर के बाद हम इसको वापस से खोलेंगे, और फिर जैसे तैयार हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, मेरे चैनल को देखने वालों, ये देखो ये कलर हल्का लाल हो गया है, पतला पानी की सालन पतला है, देख सकते हैं आप लोग, कि मैंने इसको धीमी आँच कर दिया, एकदम से धीमा आँच कर दिया। अब इसी में ये पकता रहेगा, ये लगभग आधा पौना घंटा पकेगा, ताकि गोश्त भी गल जाए और जो गाजर और शलजम है वो भी गल जाए और कलर भी अच्छा आ जाए। तो अब हम इसको ढक देंगे, देख लो तेल बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल तेल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें एक से डेढ़ चम्मच ही तेल मैंने लिया था, और थोड़ी सी चर्बी थी, क्योंकि वो मटन थोड़ा देर से मैं गया लाने, इसलिए मुझे पेट की चर्बी मिली नहीं, बकरे के पेट की चर्बी, तो वरना मैं वो दो चम्मच डेढ़ चम्मच जो तेल मैंने डाला वो भी ना डालता। तो इंशाल्लाह ये बनेगा, अच्छा बनेगा, और मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा इसको। ये मैं अभी फिलहाल इसको ढक देता हूँ, और हम इंतज़ार करेंगे। अभी हम लोगों को लगभग 35 मिनट हो गया है इसको ढके हुए, अब हम देखेंगे इसको खोल के क्या कंडीशन है। तो आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी पानी सूख चुका है, और कलर भी आ रहा होगा, देखिए ज़्यादा कोई न डार्क है न लाइट है, बट जो नेचुरल है इसका। और इसके अंदर से मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो लहसुन का और इसका अदरक की जो फ्लेवर है वो साफ पता चलता है, इसे खुशबू से ही पता चलता है। अब सिर्फ हम ये चेक करेंगे कि मटन सीज गया या नहीं, पका है या नहीं, उसके लिए हमने इसको यहाँ निकाल लेना है।
कीजिएगा, ये मटन पूरा सा पक गया है, देख लीजिए, ये देखिए पूरा पक गया है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा थोड़ा सा इसको हम और देर तक ढाकेंगे, 5 मिनट, उसके बाद बंद कर देंगे। फिर हमने इसकी आंच थोड़ी सी तेज कर दी थी और अब 5 मिनट हो गया है, तो हम इसको सिर्फ देखेंगे, ये देख लीजिए, सुभानअल्लाह, खुशबू भी अच्छा है। और अब हम गैस कर देंगे बंद, ये देखिए हमने गैस बंद कर दिया है और अब इसको ऐसे ढक कर रख देंगे और उसके बाद फिर खाया जाएगा इसको। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जितने देखने वाले हैं हमारे वीडियो को खुशहाल रहें, आबाद रहें, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी खुशहाल रहें, आबाद रहें। मेरा मुल्क सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।